आज हम इस तरह की क्रिस्टल मोती की माला जी बनाएंगे और उसके साथ हम इस तरह का कुंदन पेंडन अटैच करेंगे। ये माला जी बहुत ही खूबसूरत बनती है। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो आप देख सके। तो चलिए माला जी बनाते हैं। इसके लिए येलो कलर के क्रिस्टल मोती, इस तरह के रेड कलर के क्रिस्टल मोती, इस तरह के गोल्डन पारी और कुंदन का पदक। सबसे पहले हम एक येलो मोती, एक गोल्डन, एक येलो और एक गोल्डन लेंगे इस तरह से। और जो हमारा पहला मोती है उसमें से हम सुई को निकालेंगे। इस तरह से हम सुई को निकालेंगे जिससे इस तरह की पैटर्न बनेगी। अब हम साइड वाले गोल्डन मोती में से सुई निकालेंगे इस तरह से। हम साइड वाले येलो मोती में से निकल जाएंगे, उसके बाद साइड वाले गोल्डन में निकलेंगे। अब हम फिर से एक येलो, एक गोल्डन और एक येलो मोती लेंगे और जिस गोल्डन मोती में से हम निकले थे उसी में वापस जाएंगे इस तरह से। फिर से हम साइड वाले येलो मोती में और उसके पास वाले गोल्डन में निकलेंगे। अब फिर से हम एक येलो, एक गोल्डन और एक येलो लेंगे इस तरह से। फिर से हम साइड के येलो मोती और गोल्डन मोती में से निकल जाएंगे इस तरह से। फिर से हम एक येलो, एक गोल्डन और एक येलो मोती लेंगे और इस तरह से गोल्डन में से निकलेंगे। फिर से येलो मोती में से और गोल्डन मोती में से निकल जाएंगे। फिर से एक येलो, गोल्डन और येलो लेना है और गोल्डन मोती में से निकलना है और साइड वाले येलो में से और गोल्डन में से निकल जाएंगे। हमें ये से प्रोसेस सेम ही करनी है। हर बार तीन मोती लेने हैं और दो मोती में से सुई निकालनी है इस तरह से। तो इस तरह से हम फिर से बीच वाले मोती में आ गए। फिर से हम येलो, गोल्डन, येलो लेंगे और साइड वाले मोती में से निकल के गोल्डन मोती में फिर से आ जाएंगे। ये माला जी बनाना बिल्कुल आसान है। आप बहुत ही कम मटेरियल यूज़ करके इसे बना सकते हैं। अब हम रेड, गोल्डन और रेड लेंगे और गोल्डन मोती में से निकलेंगे। अब फिर से एक रेड मोती में से और एक गोल्डन मोती में से निकल जाएंगे इस तरह से। गोल्डन में से निकल जाएंगे, फिर से एक रेड, एक गोल्डन और एक रेड लेंगे और उसी गोल्डन में से निकलेंगे और फिर से रेड में से और गोल्डन में से निकलेंगे। फिर से एक रेड, एक गोल्डन और एक रेड मोती और साइड वाले रेड में से होके गोल्डन में निकल जाएंगे। फिर से रेड, गोल्डन, रेड और सेम आगे जैसे कि है वैसे ही रेड में से निकल के गोल्डन में
तो इस तरह से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम 3 गोल्डन मोती लेंगे और जो हमने एक कुंदन का पदक लिया था वो लेना है। इस तरह से पदक में सुई डालनी है। अब हम फिर से 3 गोल्डन मोती लेंगे और आगे वाले होल में से निकलेंगे इस तरह से। फिर से 3 गोल्डन मोती लेंगे और आगे वाले होल में निकलेंगे। अब हम वहाँ पे 1 गोल्डन मोती लेके उसी होल में से एक बार निकल जाएंगे इस तरह से। अब फिर से 3 गोल्डन मोती लेंगे और आगे वाले होल में निकलेंगे। फिर से 3 गोल्डन मोती लेंगे और जो हमारा लास्ट वाला होल था उसमें वापस निकलेंगे और जो हमने 3 गोल्डन मोती लिए थे उसके 1 गोल्डन मोती में से इस तरह से ऊपर की साइड चले जाएंगे। तो इस तरह से करने से हमारा जो पदक था वो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत पेंडल बन जाएगा। अब हम फिर से 2 गोल्डन मोती लेंगे इस तरह से। अब फिर से 1 गोल्डन, रेड, गोल्डन और रेड लेंगे, 4 मोती लेंगे। और जो हमारा पहला गोल्डन था उसमें से हम सुई को निकालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से फिर से हमने जो सामने की साइड डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही डिज़ाइन बनने लगेगी। तो हमने जैसे पहली लाइन बनाई थी वैसे ही बनाने लगेंगे इस तरह से। बीच वाले गोल्डन मोती में आके फिर से 1 रेड, 1 गोल्डन और 1 रेड मोती लेंगे और उसी में से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से हम फिर से ऊपर की साइड जाएंगे और गोल्डन मोती में निकलेंगे। इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे जिससे हमारी दोनों साइड कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी दोनों साइड कंप्लीट हो गए। अब हम लास्ट में गांठ लगा देंगे। हम लास्ट में गांठ लगा के धागा कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने गांठ लगा दी है और हम धागे को कट कर देंगे। तो हमारी बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल मोती की कुंदन के पदक वाली माला जी बन के तैयार हो गई है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।